हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता जायका। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लिट्टी चोखा की रेसिपी। लिट्टी चोखा बिहार और उत्तर प्रदेश के विशेष व्यंजनों में से एक है, लेकिन आज मैं आपको बिहारी लिट्टी चोखा की रेसिपी बताऊंगी, जो कि गेहूं के आटे में सत्तू की स्टफिंग करके बनाई जाती है और इस लिट्टी को घी के अंदर डिप किया जाता है और इसे सर्व किया जाता है बैंगन के भरते, चटनी और सलाद के साथ। और इस बिहारी लिट्टी चोखे का टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चार टमाटर बड़े साइज के ले लिए हैं, साथ साथ एक बैंगन ले लिया है। बैंगन काफी मुलायम है। अब मैं इसे चारों साइड से कट करूंगी क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारा लहसुन भरने वाली हूँ। तो मैंने इसे चारों साइड से इस तरह से कट कर लिया है। साथ साथ मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि बैंगन के अंदर कीड़े तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बैंगन के अंदर अक्सर कीड़े रहते हैं। तो ये कट करके आप चेक कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये सारे लहसुन इसके अंदर जितने हो सकते हैं मैं इसके अंदर भर दूंगी, क्योंकि जब हम इसे बैंगन को भुनेंगे तो ये लहसुन अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगे और बैंगन का भरता जब हम बनाएंगे तो इसका टेस्ट बड़ा अमेजिंग लगता है। तो ये मैंने चारों साइड में इस तरह से लहसुन भर दिया है। आप कम ज़्यादा जितना लहसुन आपको खाना है उसके हिसाब से आप इसकी इस तरह से लहसुन की स्टफिंग इसमें कर सकते हो। अब मैं इसमें ऑयल से ब्रश करूंगी। तो इस तरह से ऑयल से ब्रश करने से क्या होगा कि बैंगन जब हम भुनेंगे तो उसके बाद उसका छिलका उतारने में हमें बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे टमाटर के ऊपर भी मैंने इस तरह से ऑयल लगा दिया है और इन सबको हमें भुनना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये जाली रख दी है गैस के ऊपर और इसके ऊपर मैं बैंगन रखूंगी, साथ साथ मैं ये साइड्स में टमाटर भी रख दूंगी। तो ये बैंगन और टमाटर को हम एक साथ धीमे धीमे करके भून लेंगे इस तरह से। तो इसकी इन सबकी स्किन ब्लैक होने तक इन्हें भुनना है। अब मैंने ये सत्तू ले लिया है, तो मैंने ये 2 से 2.5 कप सत्तू ले लिया है यहाँ पे। और इसमें मैं जो है ये अदरक डाल रही हूँ। तो ये घिसे हुए अदरक हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये 1 टेबलस्पून अदरक है। साथ साथ 1 टेबलस्पून कटे हुए लहसुन डाल रही हूँ और इसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ डाल दिया है, साबुत सौंफ है, और 1 टीस्पून कलौंजी डाल दी है। अभी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ और साथ साथ मैंने ये 1 टीस्पून लेमन जूस डाल दिया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये 1 से 1.5 टेबलस्पून अचार का मसाला मैंने डाला है इसमें। अचार के मसाले आप कोई भी अचार का ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का चॉप्ड ऑनियन डाल दिया है इसके अंदर और साथ साथ मैंने 1/2 टीस्पून हींग डाली है, क्योंकि ये चने का सत्तू है तो इसलिए मैंने हींग यहाँ पे डाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है चने का सत्तू लेना है। और मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल भी इसमें डाल दिया है। तो मस्टर्ड ऑयल से क्या होगा कि सत्तू काफी अच्छे से गीला होगा। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च 1 डाल दी है। आप जितनी चाहे मिर्च खाना चाहे उतनी डाल सकते हैं। और साथ साथ मैंने ये 3 टीस्पून नमक डाल दिया है और मैंने इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल दी है। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो हमें ये सारी चीजें सत्तू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अभी मुझे सत्तू यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डाला है और साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि गेहूं के आटे में सत्तू की स्टफिंग करने में इजी हो जाता है, नहीं तो सत्तू गिरता रहता है। तो ये सत्तू मैंने रेडी कर लिया है, देख सकते हो आप इस तरह का हो गया है, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए सत्तू। अब यहाँ पे बैंगन को भी मैं इस तरह से भून रही हूँ, थोड़ा सा अभी रह गया ये, और साथ साथ टमाटर भी धीमे धीमे ये भुन रहे हैं। तो अभी मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये 3 कप आटा लिया है, उसमें नमक डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, जिसको मैं इस तरह से अजवाइन को क्रश करके और फिर मैं जो है आटे के अंदर डालूंगी। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ साथ मैं ये 2 टेबलस्पून घी, घी जमे हुए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया इसको, 2 टेबलस्पून देसी घी मैंने डाल दिया है। तो ये घी का मोयन करना है इसमें। तो इस तरह से पहले रगड़ रगड़ के हम आटा जो है मोयन कर लेंगे, आप देख सकते हैं, उसके बाद हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी से ये आटा गूंद लूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे मीठा सोडा डालना भूल गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी इसी आटे के अंदर मीठा सोडा इस तरह से डाल दिया है 1 टीस्पून।
आप पहले डाल लीजिएगा जब घी और नमक डालते हैं। ये देखिए आटा मैंने तैयार कर लिया, अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके हटा दूंगी। और ये देख सकते हैं बैंगन भी भुन गए, टमाटर भी हमारे भुन गए हैं, तो ये सारे हम मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पे, और इसकी स्किन हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसकी स्किन, हमने ऑयल लगाया था इसकी वजह से ईजली स्किन निकल आती है इसकी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो हमने लहसुन डाल रखे थे वो भी कितने सॉफ्ट हो गए हैं इसके अंदर, और इसका टेस्ट भरते में बहुत ही अमेजिंग आता है। तो मैंने अभी बैंगन छील लिए, अब मैंने टमाटर भी छील लिए साथ में, तो इन सबको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इसके अंदर ये बॉयल्ड आलू डाल रही हूँ। तो ये बॉयल्ड आलू बॉयल करके मैंने रखा हुआ था और मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इन सबको हम मैशर की हेल्प से मैश करेंगे, तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये हमने मैश कर लिया इस तरह से। तो अभी मैं यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून तेल को मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है ये तेल, ये सरसों का तेल है, और साथ साथ मैंने ये कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और ये मैंने मिर्च थोड़ी सी भरते में ज़्यादा डाल दी है, हरी मिर्च है ये, और साथ साथ मैंने ये नमक डाल दिया इसमें, और मैं अब कटी हुई हरी धनिया इसमें डाल दी है मैंने, और अभी ये हरे प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो कटे हुए हरे प्याज आपके पास हैं तो डालिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके भरता तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर ली है मैंने, तो भरता बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं चटनी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये 3 टेबलस्पून चना दाल ले रखी है, ये रोस्टेड चना दाल है, साथ में मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है, साबुत जीरा डाल दिया है इसमें, और मैं ये नमक डाल रही हूँ। मैं चटनी बनाते टाइम सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, और मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया है इसमें। तो इन सबको ग्राइंड कर लेना है हमें। तो ये चटनी बिल्कुल तैयार है, पर इसमें अभी तड़का लगाना तो बाकी ही है। तो चलिए इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे गरम कर लिया है, और अभी मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा हींग, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मैं चने दाल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दिया है, 1 पिंच ही डालना है, और 1 टीस्पून मैंने ये मस्टर्ड सीड डाल दिया है, तो ये ब्लैक मस्टर्ड सीड मैंने डाला है इसमें। और इसी के साथ साथ मैं साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ, और उसके साथ साथ करी पत्ता भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसका तड़का लगा देंगे हम चटनी के ऊपर। तो देखिए तड़का मैंने लगा दिया है, और अभी मैं इसी टाइम पे इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस। ये लेमन जूस बिल्कुल ऑप्शनल है, ये थोड़ी सी खट्टी चटनी अच्छी लगती है। तो अभी मैं हरे धनिया की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरी धनिया ले रखी है, अब इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और लहसुन, और साथ साथ मैंने अदरक भी डाल दिया इसमें, और लेमन जूस भी मैं डाल रही हूँ उसमें। तो इस टाइम पे आप चाहो तो एक टमाटर भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, और मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी सेंधा नमक का ही यूज़ किया है इस चटनी में भी, और मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ। तो पानी डाल के अब इसे हम ग्राइंड करके चटनी इसकी तैयार कर लेंगे। तो इसकी चटनी में हमें कोई तड़का नहीं लगाना है, और ये चटनी ग्रीन चटनी और चने दाल की चटनी दोनों रेडी हो गई, भरता रेडी हो गया। तो चलिए अब लिट्टी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये अप्पम पैन ले लिया है, और साथ साथ मैं इसे कढ़ाई में भी बनाऊंगी। अगर आपके पास तंदूर है तो तंदूर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सत्तू ले लिया है, जो स्टफिंग के लिए सत्तू बनाया था, और साथ साथ ये आटा ले लिया। तो आटा देख रहे हैं थोड़ा सा टाइट आटा है। अभी हमें इस आटे से रोटी की लोई जैसे बनाते हैं ना, बस वैसी ही लोइयाँ बना लेनी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको रोल कर लिया है, और अब मैं ये रोटी की लोइयाँ जैसे होती हैं उस तरह से इसको कट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है इतने पीसेस में, और इस तरह से गोल करके हम जो है लोई बना लेंगे, जैसे रोटी की लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। तो यहाँ पे मैं 2 साइज़ की लोई बनाऊंगी, क्योंकि मैं छोटी साइज़ का बनाऊंगी जो अप्पम मेकर के लिए बनाना है, और थोड़ी बड़ी साइज़ का बनाऊंगी जो कढ़ाई के लिए बनाना है। और कढ़ाई के लिए मैं चपटी बाटी बनाऊंगी, और अप्पम मेकर के लिए मैं गोल बाटी बनाऊंगी। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा। तो ये देखिए ये मैंने लोई बना ली है,
और इसके अंदर मैं करूँगी स्टफिंग सत्तू की। तो जो चने का सत्तू मैंने बना के तैयार किया हुआ है उसकी स्टफिंग इसमें गेहूं के आटे की लोई में कर देनी है। तो आपको जितनी स्टफिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सील कर लेंगे ऊपर से। हमने स्टफिंग करके जैसे हम पराठे की स्टफिंग करते हैं बिल्कुल वैसी स्टफिंग करनी है इसमें। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से गोल कर लिया है, और क्योंकि मैं कढ़ाई के लिए बना रही हूँ इसलिए इस लिट्टी को मैंने थोड़ा सा चपटा कर दिया है। और जो अपम पैन में हम बनाएंगे वो गोल ही रहने देंगे, उसे हम चपटा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारी लोइयों में स्टफिंग कर ली है। ये देखिए मैं दूसरी वाली भी आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजली इसको बना सकते हैं घर में इस लिट्टी को इस तरह से स्टफिंग करके। तो बस हमें इस तरह से कटोरी की तरह बिल्कुल बना लेना है ये लोई को, और इस तरह से स्टफिंग करनी है और ऊपर से सील कर लेना है। तो मैंने ये दिखा दिया आपको। तो मैंने इस तरह के देख रहे होंगे मैंने गोल भी बनाए हैं अपम पैन के लिए, और साथ साथ मैंने चिपटे वाले जो बनाए हैं वो कढ़ाई के लिए बनाए हैं। तो इस तरह का गोल बना के और आप उसको हाथ से ही अपने पाम से जो है प्रेस कर देंगे तो वो चिपटी हो जाएगी, और अपम पैन वाले इस तरह के गोल बना सकते हैं आप। तो चलिए पहले अपम पैन वाली दिखा लेती हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे घी या तेल कुछ भी नहीं लगाया है अपम पैन में। तो अभी ये लिट्टी बहुत ही बढ़िया बनेगी, हमें पहले से इसमें ऑयल नहीं लगाना है। तो अभी मैं इसको कवर करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। और अभी कढ़ाई वाली भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कढ़ाई में मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, तो यहाँ पे मैं ये लिट्टी रख दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके इस तरह से रख दिया है, और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने कवर कर दिया है, और यहाँ पे हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे। अब मैंने अपम पैन में 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैंने खोल के चेक करूँगी मैं से। तो ये देखिए ये कितना जो है बढ़िया ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से हमें बहुत आराम से इसे पलट लेना है, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था इसलिए ये लिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फूल गई है। तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ की हो गई है, और ये अपम पैन के अंदर थोड़े से एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए मैं इस तरह से जो है इसे एडजस्ट कर लिया है मैंने, और अभी मैं फिर से जो है वही 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाऊंगी। तो आपको फ्लेम मीडियम ही रखनी है। पहले आप जो है अपम पैन को गर्म कर लीजिए और फिर मीडियम फ्लेम पे बनाइए। तो चलिए ये लिट्टी हो चुकी है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अपम पैन की लिट्टी ज़्यादा जल्दी बन जाती है, और अभी कढ़ाई वाली लिट्टी भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसे भी हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। और ये कितनी फूल गई है बढ़िया। अभी हम इसे फिर से कवर करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैंने ये अपम पैन की लिट्टी ले ली है, और इसको मैं यहाँ पे गैस पे जाली के ऊपर इस तरह से ब्राउन चित्तियाँ लाने के लिए टर्न करके इन्हें सेक लूँगी। तो कढ़ाई हो चाहे अपम पैन की हो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस हम करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं फोड़ के दिखा रही हूँ आपको, कितनी बढ़िया लिट्टी बनके तैयार हुई है। और अभी मैं इसको घी के अंदर डिप करूँगी। तो बिहार में जो लिट्टी चोखा आपको मिलेगा ना, इस तरह से लिट्टी को वो डिप करते हैं अच्छे से घी के अंदर। तो क्या होता है कि सत्तू बिल्कुल अंदर से गीला हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए कढ़ाई वाली भी लिट्टी मैं चेक कर रही हूँ उसको। तो अभी इसमें ब्राउन चित्तियाँ थोड़ी सी आनी शुरू हुई हैं। तो अभी मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। आप देख रहे हो लिट्टी पक गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये देख रहे हैं लिट्टी फट गई है बिल्कुल। तो ये अंदर से अच्छे से सिक चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तो इसको भी मैं वही करूँगी, मैं इस तरह से सेक लूँगी इसको जाली के ऊपर, ताकि इसमें वो ब्राउन चित्तियाँ अच्छे से आ जाएं।
और बिल्कुल ये कोयले वाली लिट्टी लगे। तो हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं सेकना है, सिर्फ ये जो ब्राउन चित्तियाँ हैं वो आने तक ही हमें सेकना है इसे। अब मैंने फोड़ के यहाँ पे इसको भी डिप कर लिया है। अब चलिए प्लेटिंग शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सैलड ले लिया है, ये चुकंदर है, गाजर है और मूली है। उसके साथ साथ मैंने थोड़े से प्याज और नींबू भी लगा रखे हैं और मिर्च। इसके साथ साथ मैंने ये लिट्टी लगा दी है और अब मैं बैंगन का भरता और चटनी भी यहाँ पे रख रही हूँ। तो बिहार में इसी तरह के सैलेड बैंगन के भरते और चटनी के साथ सत्तू की लिट्टी सर्व की जाती है और ये लिट्टी खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें। ये लिट्टी चोखा बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर तो ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइज इसी तरह की टेस्टी और यम्मी रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।